हेलो बच्चों, वेलकम टू द आरटी एकेडमी। मैं आपका हूँ मैथ्स टीचर दुर्गेश सर। हम लोग क्लास 11 की सीरीज कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। अभी तक 5 लेक्चर हो चुके हैं, स्टार्टिंग में बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत आसान लग रहा है। अभी तक जितनी भी बातें सुनी थी लोगों से कि अरे ट्रिग्नोमेट्री बड़ा टफ होता है, वो सब झूठ निकल रहा है और आगे भी आसान ही होने वाला है। आज बारी है लेक्चर नंबर 6 की, और आप जान रहे हैं हम लोग मिल कहाँ पर हैं, अपने प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप चाह रहे हैं कि ये कंटिन्यू होता है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए आपकी, और सबसे पहले हमको ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करनी है। स्टार्टिंग के 2 चैप्टर हो चुके हैं, सेट और रिलेशन फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री के बाद आगे के भी चैप्टर आपको मिलेंगे। इसमें केवल मैथ ही नहीं, क्लास 11th और 12th दोनों के ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो वाले बच्चों के लिए बायो के लेक्चर है। तो आप क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना है कि आरटी एकेडमी एक बहुत ही शानदार चैनल है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बच्चों के लिए बहुत शानदार से लेक्चर्स आ रहे हैं उसमें बोर्ड लेवल के। तो आप चाहे तो उस पर डिस्कस कर सकते हो लोगों से, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए आज हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहली बात, आज से हम लोग फॉर्मूले का डिस्कशन करेंगे। आज से फॉर्मूले स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तक एंगल के बारे में सीख लिया, डोमेन सीख लिया, रेंज सीख लिया, जितने भी क्वेश्चन सब कर लिए। अब बारी है किसकी, फॉर्मूले। चलिए फॉर्मूले स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लिखेंगे चीज सी डी ओ। आपको बोर्ड में दिख रहा होगा सीडीओ, ये सामने क्या लिख दिया सीडीओ, इसका भी मतलब बताएंगे आपको सीडीओ है क्या चीज। तो अच्छा, सीडीओ से पहले आपको एक चीज मैं ये कहूँ कि जो फॉर्मूले आज हम लोग लिखने जा रहे हैं, ये सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले। जो सम और डिफरेंस मतलब, जैसे मैं कहूँ कि कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी साइन ए प्लस बी और ये साइन ए माइनस बी, इन क्वेश्चन फॉर्मूले के बारे में हम लोगों को आज डिस्कस करना है। बाकी टाइम के भी वो आप ही लिखेंगे। तो सीडीओ का क्या मतलब है, ये सीडीओ कहां से आ गया, तो इसका मतलब सिखाते हैं आपको कि सीडीओ है क्या। तो सीडीओ है क्या, देखिए सी का मतलब हो गया हमारे लिए कॉस, और डी का मतलब हो गया डबलेट, और ओ का मीनिंग हो गया अपोजिट। मतलब अगर कॉस का फॉर्मूला है तो उस पर डबलेट चलता है, और अपोजिट का मतलब है साइन। जो फॉर्मूले के बीच में आप साइन यूज करेंगे, वो जो साइन होगा वो आपका किस चीज का होगा, नहीं पॉजिटिव होगा। अगर प्लस का फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं तो माइनस लगेगा, और माइनस का यूज कर रहे हैं तो प्लस का लगेगा। तो चलिए इसी पे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं जरा कॉस का। अब जैसे कॉस का डबलेट चलेगा, तो ऐसे जैसे मैंने लिखा कॉस ए, तो कॉस ए के साथ में क्या आएगा कॉस बी। अब ये प्लस, प्लस में क्या आएगा माइनस, साइन ए इंटू साइन बी, cos a into cos b minus sin a into sin b, मतलब प्लस वाले में आप माइनस का यूज करेंगे। अच्छा बात कर रहे हैं, अगर हम लोग माइनस की, तो माइनस में किस चीज का यूज करेंगे, प्लस का। यानी क्या आ जाएगा हमारा cos a into cos b प्लस sin a into sin b। तो cos a into cos b प्लस sin a into sin b, और cos a माइनस b का क्या हो जाएगा, cos a cos b प्लस sin a sin। मतलब माइनस वाले में प्लस हो जाना, यही तो बताया था मैंने, cdo cos है तो डबलेट होगा, sin अपोजिट होगा। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास sin का फार्मूला आता है, तब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपके पास फार्मूला आ जाए sin का, तो डबलेट नहीं होगा, डबलेट उसमें नहीं चलता है, और sin के अपोजिट नहीं होगा मतलब सेम sin होगा। तो सेम sin होगा तो कैसे यूज करेंगे इसको, वो भी देख लेते हैं। जैसे मैं sin की बात कर रहा हूं, तो यहां पे अगर आपने एक बार साइन लिख दिया तो फिर आगे आएगा कॉस, तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मतलब प्लस वाले में प्लस लगेगा और डबलेट नहीं चलता, तो अगर एक कॉस है तो दूसरा ऑटोमेटिक साइन होगा, और साइन ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो
आई होप ये फॉर्मूले जो आप देख रहे हैं साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूले जो है आप समझ पा रहे हो किस तरीके से मैं बता रहा हूँ, और इन फॉर्मूले के बारे में आपको दिख भी रहा है किस तरीके से हम कर रहे हैं। तो ये आप सारे फॉर्मूले क्या है आपको लर्न करने, ट्रिग्नोमेट्री उसी की स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा होती है जिसको लर्न होते हैं पूरे फॉर्मूले, क्योंकि फॉर्मूले जिसके स्ट्रॉन्ग उसकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग। तो चलिए इसी में और देखते हैं हम आगे क्या आ रहा है। तो इसके लिए दो फॉर्मूले हमारे पास और है, दो फॉर्मूले देखिए क्या है। इसमें फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है टैन ए प्लस बी और एक है हमारे पास टैन ए माइनस बी, एक टैन ए प्लस बी और एक टैन ए माइनस बी। तो टैन ए प्लस बी में आपको कैसे लर्न कर रहा है ये समझ। अच्छा इन सब की प्रूविंग भी होती है, तो प्रूविंग का भी हम लोग इतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, तो हम फोकस करेंगे हमें फॉर्मूला लर्न हो जाए कि और इसके अंदर कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं ये हम लोग सीख रहे हैं। तो चलिए जैसे लिखा हुआ है tan a plus b, तो tan a plus b को आप इस तरीके से लिखेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan a plus tan b whole upon 1 minus tan a into tan b, tan a plus tan b whole upon 1 minus tan a into tan, और tan a minus b का क्या हो जाएगा tan a minus tan b whole upon 1 plus tan a into tan b, ये formula out। जैसे tan a plus b, तो tan a plus b का formula क्या, tan a plus tan b whole upon 1 minus tan a into tan b, और tan a minus b का क्या हो गया tan a minus tan b whole upon 1 plus tan a into tan b, मतलब अगर इस जगह माइनस तो यहाँ पर आपको माइनस लगाना और इस जगह माइनस तो यहाँ प्लस कर देना, अपोजिट कर देना यहाँ नीचे। तो आई होप ये समझ पाए होंगे। और इसका टू फॉर्मूले और है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा था साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, एक तो फॉर्मूला ये है आपके पास, और इसके बाद एक फॉर्मूला आपके पास आएगा कॉस ए प्लस बी into cos a minus b, cos a plus b into cos a minus b, sin a plus b into sin a minus b। तो ये फॉर्मूला क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो sin a plus b into sin a minus b का फॉर्मूला होगा sin square a minus sin square b, और इसका हो जाएगा cos square a minus sin square b। बच्चों को लग रहा हो क्या सबने गलत लिख दिया क्या, नहीं ये गलत नहीं, बिल्कुल ये करेक्ट लिखा है। cos square minus sin square b ही होगा, cos square minus cos square b नहीं लिखेंगे, और cos square minus cos square b कोई फॉर्मूला भी नहीं होता, ये मैं पहले बता देता हूँ। अगर cos square minus cos square b आ रहा है तो उसके लिए आपको पहले इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब साइन में आप कन्वर्ट करेंगे, और जब साइन में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप उसको फिर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी में ब्रेक करेंगे, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो आई होप टैन ए प्लस बी टैन ए माइनस बी ये सब फॉर्मूले आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से करना है। तो चलिए एक चीज और आगे बढ़ते हैं। ये कि स्लाइड मैंने ब्लैंक कर रखी है, ये इसलिए ब्लैंक कर रखी है जिससे हम लोग ट्रायंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ट्रायंगल में किस तरीके से हम लोग वर्किंग करते हैं। तो जैसे मैं ये कहूं कि एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी इज अ ट्रायंगल, एबीसी ट्रायंगल। अरे एक चीज तो बड़ा, अगर एबीसी एक ट्रायंगल है तो डेफिनेटली ए प्लस बी प्लस सी हमारा क्या आ जाएगा, पाई है 180। अब यहां से आपको तीन बातें समझनी है। नंबर वन, ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी पाई माइनस सी, बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी पाई माइनस ए, ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए की जो वैल्यू वो हो जाएगी पाई माइनस बी। ये हम लोगों ने सारी चीजें लिख ली, ए प्लस बी लिख ली, बी प्लस सी लिख ली, सी प्लस ए लिख लिया। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास आ जाए, इसी में थ्री और मोर रिजल्ट है आपके पास, जैसे आपसे कहा है कोई ए प्लस बी बाई टू क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। अगर मान लीजिए आपके पास ए प्लस सी बाई टू है तो क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस बी बाई टू। अगर इसी में a plus b, b plus c by 2, तो ये हो जाएगा आपके पास pi by 2 minus a by 2। और ये रिजल्ट आपको आने ही चाहिए, क्योंकि अगर ये रिजल्ट आप आएंगे तभी आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे।
जो भी ट्रिग्नोमेट्री में एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आए, हो सकता है क्वाडिलैटरल आ जाए, क्वाडिलैटरल में a plus b plus c plus d equal to 180, साइक्लिक आ जाए तो अपोजिट एंगल का सम 180, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है कि क्वाडिलैटरल में तीनों एंगल का सम 360 होगा, साइक्लिक में अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, a plus b है तो 180 minus c, b plus c is 180 minus a, और हाफ एंगल में ब्रेक किया गया तो भी आपको आना चाहिए, सारी चीजें आपको आनी चाहिए क्योंकि तभी हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे। वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री आपकी तभी स्ट्रॉन्ग होगी जब आपको फॉर्मूले लर्न होंगे। एप्लीकेशन तो धीरे धीरे अगर आप उसमें फॉर्मूले यूज करते जाएंगे, सॉल्विंग करते जाएंगे तो भी फॉर्मूले भी लर्न हो जाएंगे और क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसमें। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ले रखा cos 105 डिग्री प्लस sin 105 डिग्री। सबसे पहले चीज तो 105 डिग्री की वैल्यू हमारे पास नहीं होती, तो क्या आप इसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो अभी हम लोगों ने sin a plus b, cos a plus b, sin a minus b इस तरीके के फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। तो हम लोग क्या करें इसमें कि जो 105 डिग्री है हमारा, इसको हम लोग ब्रेक कर लें cos 60 plus 45 और sin 105 डिग्री को ब्रेक कर लें sin 60 plus 45। यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर लें cos a cos b प्लस में माइनस आ जाएगा, साइन ए साइन बी और साइन ए प्लस बी का अप्लाई कर दें प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब वैल्यू अप्लाई करते कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2, कॉस 45 हो जाएगा 1/√2, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, साइन 45 की 1/√2 प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। अगर यहाँ पे सॉल्विंग देखें हम लोग तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये a और ये b दोनों सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 1/√2 तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा क्या हमारे पास रिजल्ट 1/√2। ये हमारी ओवरऑल वैल्यू आ गई इस वाले पोर्शन की। अगर आपको ये फार्मूला लर्न नहीं होगा तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि 105 डिग्री की वैल्यू के लिए कोई फार्मूला ही नहीं है भाई। फॉर्मूला है मतलब कि आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, मतलब ऐसा कोई स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, जो स्टैंडर्ड एंगल होते हैं वो हमें लर्न होते हैं। 105 डिग्री जो है हमारा कोई स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, अगर स्टैंडर्ड एंगल होता तो हम कर भी लेते एक बार। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं ये क्या है। दोनों वैल्यू सेम तो 2 टाइम्स हो जाएगा,
सेट हो गए आंसर, वन अपॉन रूट टू। तो अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो आप बहुत इजी वे में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, कितना इजी हो गया सॉल्व करने से। अगर आप फॉर्मूला नहीं लर्न कर पा रहे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे ही फॉर्मूला लर्न था मैंने अप्लाई करा और कितनी इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए इसी में और आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। जैसे ये गिवन है तो पहली बात तो हमसे कहा tan 15 डिग्री की वैल्यू बतानी है जो कि हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और इसका tan 15 और प्लस cot 15 की वैल्यू हमें प्रूफ करके लानी 4। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमारे पास वैल्यू क्या है tan 15, तो tan 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan 60 माइनस 45। tan a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, tan 60 माइनस tan 45 होल अपॉन 1 प्लस tan 60 इनटू tan 45। अच्छा तो tan 60 है, tan 60 की वैल्यू हो जाएगी रूट 3 और tan 45 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 होल अपॉन रूट 3 प्लस 1। मैंने बड़ा इसको 1 को पीछे कर दिया। रेशनलाइज कर लेते हैं इसको। आप रेशनलाइज अगर नहीं भी करोगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा एलसीएम वगैरह लेकर के। तो चलिए रेशनलाइज नहीं कर लेते हैं, रेशनलाइज नहीं करते हैं इसको, ये डायरेक्ट आ गया। तो ये हमारे tan 15 की वैल्यू आ गई। अच्छा इसके अंदर क्या है tan 15 प्लस cot 15। अच्छा tan 15 अगर 1/2 होता बाय चांस तो cot 15 का अगर रेसिप्रोकल 2, ऐसे इसमें भी इसको क्या कर लेंगे रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो tan 15 प्लस cot 15 ये आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 होल अपॉन रूट 3 प्लस 1 प्लस cot का हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 एलसीएम ले ले बेटा। एलसीएम क्या आएगा रूट 3 प्लस 1 इनटू रूट 3 माइनस 1। ये बड़ा इस साइड आएगा हमारा तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर अगर हम लोग ओपन करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस का 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab होल अपॉन a प्लस b a माइनस b 3 माइनस 1 ये हो गया कैंसिल 4 प्लस 4 8 अपॉन में आ जाएगा 2 और ये आंसर आपका आ गया 4। ये तो हमें प्रूफ करके लाना था। देखिए tan 15 प्लस cot 15 की वैल्यू प्रूफ तो कितना इजी वे में कर लिया। अगर आपको फॉर्मूले लर्न करने तो सब चीजें बहुत आसान है, ट्रिग्नोमेट्री केवल उसके लिए ही टफ है जिसको फॉर्मूले और फॉर्मूले का एप्लीकेशन नहीं पता है। फॉर्मूले जिसको लर्न है तो देखिए कितने सिंपल वे में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो चलिए इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। tan 13x = tan 4x + tan 9x बेटा इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए तो आप एक बार एक चीज ये देखें कि आपको एक एंगल ऐसा मिलेगा जो बाकी दो के एंगल के सम के फॉर्म में होगा। अब जैसे मुझे tan 4x दिख रहा है, 9 दिख रहा है और 13 दिख रहा है, 4 plus 9 13 दिख रहा है कि नहीं, यानी कि एक एंगल हमारे पास ऐसा है 13x जो बाकी दोनों के सम के फॉर्म में है। यानी कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, आप जो सबसे बड़ा वाला एंगल है आप उससे स्टार्ट करें, tan 13x ले लें, tan 13x और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी tan 4x plus 9x tan 13x। तो tan a plus b क्या हो जाएगा tan a plus tan b whole upon 1 minus tan a into tan b cross multiply करें बेटा तो ये आ जाएगा हमारे पास tan 13x minus tan 4x into tan 9x into tan 13x equal आपको प्रूव करके लाना है tan 4x plus tan 9x।
अच्छा जो निगेटिव वाला पार्ट है आप इसको राइट साइड करते तो आई होप आपको दिख रहा होगा कि इस प्रूव होता हुआ दिख रहा है, तो बस माइनस वाले पार्ट को आपको उधर कर देना। टेन थर्टीन एक्स इक्वल टेन फोर एक्स प्लस टेन नाइन एक्स प्लस टेन फोर एक्स इंटू टेन नाइन एक्स इंटू टेन थर्टीन एक्स। इसको हम लोग बंद बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं, इसको कोई प्रूफ तो कर ही लिया हम लोगों ने, तो ये कितना सिंपल वे में हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। तो आपको बस क्या करना है, जो ग्रेटेस्ट एंगल हो उस एंगल को पिक करना है और इसको बाकी दोनों ब्रैकेट लेना जो दिख रहे हो आपको क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन रहता है कि आपको इसमें दिखना चाहिए कि किन दो एंगल का सम थर्ड के इक्वल है, तो उसको ही आपको लेकर के सॉल्व कर लेना है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। अच्छा ये आ गया, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, अभी मैंने सिखाया ना साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी, तो उस फॉर्मूले का ही हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के जैसा है ना बिल्कुल, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड माइनस साइन स्क्वायर एक्स एलएचएस। इसमें ना फॉर्मूला कौन सा यूज किया मैं ये भी लिख देता हूं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। मैंने इस फॉर्मूले का यूज इसमें किया, और अगर आप ध्यान से देखें तो सारे कैंसिल हो रहे टर्म, ये साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो रहा है, साइन स्क्वायर वाई से कैंसिल, साइन स्क्वायर जेड से कैंसिल, तो ये क्या क्या जीरो आ गया। यही तो मैं प्रूफ करके लाना था, यही मैं प्रूफ करके लाना था कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी होता है, केवल एक सिंगल फॉर्मूले का यूज किया। अब जैसे कि ये चीज अगर आप नहीं प्रिपेयर करोगे तो आप उसमें क्या सोचोगे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, वास्ट हो जाएगा, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें करना क्या है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूले लर्न रखने हैं। अब जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बिल्कुल सिंपल वे में आता है, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, वो डायरेक्ट यूज करेगा इसका और आंसर आ जाएगा उसका। तो चलिए इसी में और क्वेश्चन देखते हैं। एक ही मैंने ट्रायंगल से उठाकर ये क्वेश्चन लिख रखा है, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसके मतलब एंगल है ट्रायंगल के, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया अगर एबीसी ट्रायंगल है एंगल, एबीसी एंगल है ट्रायंगल के, तो इसका मतलब यही हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, यहां पर हमें ए प्लस बी की नीड है, तो ये जो ए प्लस बी की जो वैल्यू है हमारी वो क्या हो जाएगी पाई माइनस सी, इसमें अप्लाई कर दें साइन पाई माइनस सी 180 है, पाई मींस 180, तो 180 चेंज और नो चेंज, 180 है तो नो चेंज, तो सबसे पहली चीज तो नो चेंज, तो साइन सी आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि 180 माइनस थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में रहेगा, 180 माइनस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, और सेकंड में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, और यही तो हमारा प्रूफ होकर के भी आ रहा, देखिए यही चीज तो प्रूफ होकर के आ रही है। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन की बात करें cos a plus b by 2 equal to sin c by 2, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया था कि अगर a plus b by 2 लिखा है तो आप उसको क्या लिखेंगे pi by 2 minus c by 2, तो इसका यूज कर लें हम लोग cos pi by 2 minus c by 2, cos 90 minus theta क्या आ जाएगा sin theta यानी sin c by 2, और यहां पर भी तो आ रहा है sin c by 2, मतलब डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा है ये pi by 2 means क्या होता है 90 और sin 90 minus theta क्या होता है cos theta, और ट्रायंगल के जो एंगल है वो ऑलरेडी गिवन थे a b एंड c, तीनों का सम 180 होता है, उसके बारे में ऑलरेडी इससे पहले स्लाइड पर डिस्कस कर चुका हूं, आपको एक बार दिखा भी देता हूं। देखिए इस स्लाइड में देखिए मैंने डिस्कस किया था पूरा कंप्लीट एंगल ए बी सी, अगर ट्रायंगल के एंगल है तो मैंने इस तरीके से पूरा चार्ट बना रखा है,
इस चार्ट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था। अब क्वेश्चन ए प्लस बी बाई टू था, ए प्लस बी बाई टू की जगह मैंने क्या यूज कर लिया डायरेक्ट पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। तो चलिए इसी में और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये आ रहा है हमारे पास, ए बी सी डी आर द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल। अब क्या बेटा बोल दिया क्वाड्रिलैटरल है, तो हमको ये प्रूफ करके लाना है। तो अच्छा एक चीज देखो बेटा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल 360 हो जाएगा कि नहीं क्वाड्रिलैटरल की बात करी गई है। तो अब अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल अपॉन 2 इक्वल टू 90 सॉरी 180 आ जाएगा। ए प्लस बी बाई टू इक्वल 180 माइनस सी प्लस डी बाई टू, 180 माइनस सी प्लस डी बाई टू। अब हम लोग क्या करें, यहां पे ए प्लस बी बाई टू जो दिख रहा है इसको क्या लिखे, 180 माइनस सी प्लस डी बाई टू, टेन ऑफ 180 माइनस सी प्लस डी बाई प्लस टेन सी प्लस डी बाई टू। टेन 180 है तो नो चेंज, तो टेन सी प्लस डी बाई टू ऑलरेडी आ जाएगा। और 180 माइनस सी डी किस क्वाड्रेंट में आता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड में टेन कैसा होगा निगेटिव, प्लस टेन सी प्लस डी बाई टू, टेन से टेन पार्ट कैंसिल क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। और यही तो हमें प्रूफ करके लाना था कि जीरो आना चाहिए दोनों का सम। तो जितना भी मैंने आपसे डिस्कस कर रखा था क्वाड्रिलैटरल ट्रायंगल इन सब के बारे में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने लिए, और बहुत सिंपल वे में ये क्वेश्चन हमारे क्या हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं। तो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, लेकिन इस बार उन्होंने एक वर्ड यूज किया साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अच्छा क्लास 10 की अगर मैं बात करूं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का क्या होता था, क्वाड्रिलैटरल तो ठीक है चारों एंगल का सम 180 होने ही होना है, लेकिन अपोजिट एंगल जो होते हैं जैसे ए बी सी डी है तो ए प्लस सी 180 बी प्लस डी 180 अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाता है। तो चलिए यहां पे एक क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें ये रिजल्ट पता चल गया कि ए प्लस सी इक्वल टू 180 आप पाई भी लिख सकते हैं एंड बी प्लस डी इज ऑल्सो 180। तो यहां पे क्या आएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 180 माइनस ए, और ये जो डी है डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 180 माइनस बी। तो सी और डी की वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, एल एच एस कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी, कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस ए प्लस कॉट डी की जगह क्या लिखते हैं, कॉट 180 माइनस बी कॉट ए प्लस कॉट बी 180 है, चेंज और नो चेंज, नो चेंज। तो कॉट ए तो आना पहले से ही तय हो गया, 180 माइनस थीटा के क्वाड्रेंट में सेकंड में, और सेकंड में कॉट कैसा होता है नेगेटिव, प्लस इसमें इस केस में भी नेगेटिव आएगा, 180 है तो नो चेंज, तो कॉट भी आएगा ही, और 180 माइनस थीटा सेकंड में होता है, सेकंड में कॉट होता है हमारा नेगेटिव, तो माइनस कॉट, तो ये कॉट भी और कॉट भी कैंसिल, कॉट ए एंड कॉट ए कैंसिल आउट तो जीरो होता है। तो यही रिजल्ट हम प्रूफ करके लाना था, और ये रिजल्ट हमारा आ चुका है प्रूफ हो गया। अच्छा इसके बाद एक रिजल्ट और है क्वेश्चन हमारे पास, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू साइन सी प्लस साइन डी। इस रिजल्ट को भी हम प्रूफ कर लेते हैं, इसको कैसे करेंगे। जैसे ये तो पहले डिसाइड हो गया कि ए प्लस सी इक्वल टू 180 है एंड बी प्लस डी इक्वल टू 180 है। तो जैसे मैंने जो दिया है साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ए की जगह मैं क्या लिखूंगा साइन, इसको मैं एलएचएस बोल देता हूं बेटा 180 माइनस सी, और साइन बी को क्या लिख देंगे 180 माइनस डी। तो 180 है तो चेंज और नो चेंज,
वोलेटाइल गैस में क्या होना है, नो चेंज तो होना ही होना है पहले से ही। वोलेटाइल मास थीटा की स्क्वायर ब्रैकेट में आता है सेकंड, और सेकंड में साइन कैसा होता है पॉजिटिव। 180 माइनस डी, 180 तो चेंज और नो चेंज, नो चेंज साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी ही तो हमें प्रूफ करके लाना था, और ये रिजल्ट आ चुका है हमारा साइन सी प्लस साइन डी, तो प्रूफ हो चुका है ये। तो आई होप आपको आज का सेशन हम बहुत अच्छा लगा होगा, फॉर्मूले से रिलेटेड था। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो न्यू फॉर्मूले के साथ होगा, या हो सकता है मैं इसी के बहुत सारे क्वेश्चन का एक बार डिस्कशन कर लूं। तो बस आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ बने रहना है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। और इसमें मैथ ही नहीं, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, सारे टीचर है, बेस्ट टीचर है आपके लिए। ये केवल हम लोग आपके लिए आए और आपके लिए ही वर्क कर रहे हैं। क्या करना है आपको, बस तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है, आरटी एकेडमी आपका प्यारा सा चैनल। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।